उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में उस समय एक भीषण सड़क हादसा हुआ जब एक कार आगे चल रहे ट्रक में अनियंत्रित होकर घुस गई, जिसके चलते कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में एक कार उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गई जब उसमें सवार 6 लोग उत्तराखंड से एक लगन समारोह में शामिल होकर अपने घर मुरादाबाद जा रहे थे। तभी रास्ते में आगे चल रहे एक ट्रक में अनियंत्रित होकर ये कार घुस गई। सड़क हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए तथा घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। ये जो शीकमपुर हमारा जो टाँडा में पड़ता है वहाँ पे चौराहा है, चौराहे पर बताया जा रहा है कि ब्रेकर से अन्य गाड़ी की से जो टकरा गई, 5 लोग जो एक्सपायर हो गए हैं और जो 5 लोग एक्सपायर हुए हैं वो लोग जयंतीपुर मुरादाबाद कराने वाले हैं। पूरी जानकारी की जा रही है और जानकारी के बाद हम उसके बाद अपडेट देंगे। कितने लोग सवार थे सर गाड़ी में? गाड़ी में सिर्फ 6 लोग सवार थे, 5 लोग एक्सपायर हो गए। ड्राइवर की हालत गंभीर अभी इलाज चल रहा है। किस गाड़ी ने एक्सीडेंट किसने टक्कर दी? गाड़ी लोग ईको गाड़ी से थे और गाड़ी अनियंत्रित किस गाड़ी से जो टकराई ये भी जो जानकारी नहीं हो पाई, जानकारी की जा रही है। परिजन बता रहे हैं किसी का लगन वगन लेके गए थे, लौट कर आ रहे थे। हाँ, इतवार में किसी गाँव में लगन लेकर के गए थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे, उसी समय जो घटना हुई। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।